देखो सपोज क्वेश्चन है, नोट करें प्लीज़, ये एक चेन है और टेबल के ऊपर कुछ ऐसे पड़ी हुई है, ये लो। तो एक चेन है टेबल के ऊपर ऐसे पड़ी हुई है, सच दैट चेन का कुछ पोर्शन कितना, चेन का पोर्शन एल बाय थ्री लटक रहा है और टू एल बाय थ्री टेबल के ऊपर है और क्वेश्चन में गिवन है देयर इज अ वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ फ्रिक्शन प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ठीक, कोई डाउट इसमें? तो सबसे पहली चीज इसमें, इसका जो मास है चेन का वो एम है और लेंथ एल है। क्वेश्चन ये है कि ये चेन ना नीचे गिर रही है, ऊपर नहीं उठानी है, नीचे गिर रही है, और नीचे गिरने में ये चेन नीचे 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 आ रही है, तो इस पर कौन रोकने की कोशिश कर रहा है? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन क्या करेगी? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आपको निकालना है, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट, क्लियर है यहां तक? तो आपको फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है, अब वर्क डन बाय अगर फ्रिक्शन निकालना है, अब एक प्रॉब्लम है और म्यू आपको गिवन है। फ्रिक्शन की जो फोर्स होती है ना वो माइनस म्यू टाइम नॉर्मल रिएक्शन होती है। नॉर्मल रिएक्शन इस पूरी चेन का कितना है बताओ? अच्छा बताओ, पूरी चेन का मास कितना, जो टेबल पर पड़ी हुई है मास कितना है? 2/3m, भाई लेंथ के प्रोपोर्शनल है ना, अगर मास m है तो लेंथ l है, तो l के कॉरस्पॉन्डिंगली मास m है, तो कितना हो जाएगा? 2/3m हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मास हो जाएगा 2/3m, ठीक है यहाँ तक? तो अब इस केस में इसका मास अगर 2/3m है, ठीक है, तो उस केस में ये बताओ कि जब ये चेन नीचे जाएगी इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? इसका वेट यानी कि 2/3m × g, जब ये चेन नीचे जाएगी तो इसका वेट टेबल पे पड़ा हुआ कम होता जाएगा। चेन नीचे गिरती जा रही है, टेबल पे जोर कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम हो रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि वेरिएबल है, और आपको क्या निकालना है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। और वर्क डन में अगर फोर्स और फ्रिक्शन वेरिएबल है तो क्वेश्चन बिना इंटीग्रेशन के हो ही नहीं सकता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा, मास कम होता जा रहा है टेबल के ऊपर। अगर मास कम होगा टेबल के ऊपर तो उसका नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा उसका वेट कम होगा, सब कुछ कम होता जाएगा, फ्रिक्शन कम होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा, उसका वर्क डन भी चेंज होता जाएगा। ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो अगर कोई मुझे ये कहे सर टोटल वर्क डन निकालना है जब चेन पूरा नीचे गिर जाएगी, तो टोटल वर्क डन इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इनटू ये चेन की लेंथ, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगले इंस्टेंट पर क्या हो जाएगी? चेंज, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें इंटीग्रेशन करनी ही पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है पहले तो? अच्छा, इंटीग्रेशन का रूल कैसे बनेगा? आप कहेंगे सर कि कैसे आप कैसे देखते हो, आपको भी नहीं समझ में आएगा, आपको रूल बनाना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, 4-5 बार समझ में आएगा। एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन चेंज में कैसे लगती हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं आता, सेकेंड टाइम भी नहीं आएगा, कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। अब चेन का अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है तो चेन का स्मॉल अमाउंट ऑफ चेन भी लेनी पड़ेगी। देखो, अगर आपने टोटल चेन का ही वर्क डन निकाल दिया तो बात ही खत्म हो गई भाई, तो निकालना है, अब निकाल ही नहीं पाएंगे। आपको क्या करना पड़ेगा? इस चेन का स्मॉल एलिमेंट आपको आपने लिया जिसकी लेंथ क्या है, डी एक्स, बना साथ साथ डायग्राम ना। चेन के क्वेश्चन ऐसे सेंटर ऑफ मास से नहीं होते वर्क डन के, ठीक, वो उठाने वाले वो टिपिकल वही क्वेश्चन है, बस सारों में नहीं लगता सेंटर ऑफ मास, ठीक, हर जगह नहीं लगेगा, मतलब आप फ्रिक्शन के क्वेश्चन का वर्क डन ऐसे नहीं लगेगा, ठीक है यहाँ तक? तो इसके अंदर क्या है, आपने छोटा सा एलिमेंट लिया, तो छोटे सी जो एलिमेंट है
ये आपने सपोज कितनी दूर लिया, ये मान लो आपने इस टेबल के कोने से एक्स डिस्टेंस दूर लिया, तो ये डिस्टेंस कितना है एक्स। अब स्टूडेंट ना यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज होता है कि कैसे कैसे पता लगता है सर को यार डी एक्स लिया एक्स लिया, यार मेरे यहाँ बंदा एक्स कहाँ ले पता ही नहीं, एक्स ले भी कि ना ले ये भी नहीं पता। नहीं लगेगा आपको पता अभी, ठीक है। तो आप सिर्फ इसी क्वेश्चन में देखें, आप कहेंगे फिर हम कैसे करेंगे, कोई बात नहीं आपको यही क्वेश्चन आएगा फिर तो कर ही लेंगे कम से कम, कोई नया आएगा बात अलग है, ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया फिर तो कर ही लेंगे ना, भाई इतना ही समझ लें। तो इस केस में जब भी इंटीग्रेशंस लगती हैं चेन में, चेन का स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है dx और उसकी दूरी ली जाती है x फ्रॉम द टेबल। क्यों ली जाती है अभी बताता हूँ। आप बस जब एलिमेंट देख रहे हो dx, इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकाल सकते हो, dm कितना है, बोलो क्या आएगा इसका मास, मास क्या होगा इसका dx का, अगर लेंथ ऑफ द चेन dx है तो मास क्या है, चेन रिवाइज नहीं हुई किया हमने, हाँ m बाय ना m by dx कैसे हो सकता है, मास स्मॉल लेंथ चेन का मास हो गया, बात कर रही यार कैसे निकलते चेन के मासेस कैसे निकलते थे, बोलो क्या m by l आगे आगे भी तो होगा, m by l का मास पर यूनिट लेंथ होगी, वो तो m by l into dx, बिल्कुल सही m by l into dx, भाई मास पर यूनिट लेंथ को लेंथ ऑफ चेन से मल्टीप्लाई करोगे तो मास ही तो आएगा। अच्छा ऐसे कर लो, अगर लेंथ l है तो मास क्या है m है, 1 है तो मास क्या है m by l, dx है तो मास क्या है m by l into dx। ये बात समझ में आ रही है सबको यहाँ तक, प्रॉब्लम ये है कि अभी तो समझ में आ जाती है, चार लेक्चर के बाद फिर भूल जाते हो यार मास कैसे निकलेगा, और मैंने कितनी बार ऐसे करके दिखाया आप देखो दिखाया, और शॉर्टकट भी बताया था कि चेन के क्वेश्चन में आप सिर्फ मास पर यूनिट लेंथ ले लो, उसको लेंथ dx से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें, क्लियर है यहाँ तक। तो dm की वैल्यू आ गई m by l into dx। अच्छा आगे, अब इसमें ये जो एलिमेंट है उसे इसको देखना राइट, बाकी चेन को भूल जाओ, ये एलिमेंट यहां से स्लाइड होता हुआ आएगा फ्रिक्शन के अगेंस्ट, इस एलिमेंट पे फ्रिक्शन काम करेगी, कितना काम करेगी, कितनी दूरी तक फ्रिक्शन लगेगी x, तो इस एलिमेंट पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पता है क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस एलिमेंट के ऊपर जो भी लगेगी इनटू उसने दूरी क्या कवर की x, और वर्क डन में फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, तो लिखो वर्क डन क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी लगेगी किस पे, स्मॉल एलिमेंट पे, ये काम किस पे हो रहा है, स्मॉल एलिमेंट पे, तो स्मॉल एलिमेंट के ऊपर इतना वर्क डन हो रहा है कितना, इस एलिमेंट ने स्लाइड करता हुआ घिसड़ता हुआ यहां से यहां आना है, तो जब तक वो स्लाइड कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू इसमें क्या हो जाएगी, एफ इंटू एक्स। गुड आउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक राइट, ठीक है। अब ये बताओ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन कहां लिया जाएगा, पूरी चेन का कि एलिमेंट का, पूरी चेन का कि एलिमेंट का, काम किस पे हो रहा है, एलिमेंट पे, तो नॉर्मल रिएक्शन भी एलिमेंट का, एलिमेंट का मास बोलो कितना है, m by l into, और वेट क्या होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेट mg, मास ऑफ एलिमेंट इंटू जी नॉर्मल रिएक्शन होता है, क्या पॉइंट क्लियर है, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस म्यू एम एल जी एक्स डी एक्स, नोट कर लें, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गया एलिमेंट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ डी एक्स, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखो ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है किसके ऊपर, छोटे से एलिमेंट के ऊपर,
जो स्लाइड करता हुआ टेबल के कॉर्नर पे जाएगा। ऐसे तो कई एलिमेंट हैं, आपको ऐसा एलिमेंट एक यही वर्क डन, आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ का वर्क डन निकाला, ये एलिमेंट यहाँ भी तो होगा पहला, फिर दूसरा ये जाएगा, तीसरा यहाँ से ये जाएगा, चौथा यहाँ से यहाँ जाएगा, पांचवा यहाँ से यहाँ जाएगा, आखिरी यहाँ से यहाँ जाएगा। लिमिट क्या पुट करें, लिमिट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या चल रही है, एक्स। तो लिमिट एक्स की लगेगी, बोलो पहली लिमिट क्या लगेगी, जीरो एक्स की, और लास्ट 12/3। देखो वो बाय डिफॉल्ट था, लोगों के मन से वैसे ही आता है, पता ही है एक जीरो और एक 12/3। अच्छा आंसर सही है, जीरो 12/3। जीरो क्यों, देखो पहला एलिमेंट यहां से स्टार्ट होगा, जो एलिमेंट पहला यहां से स्टार्ट होगा और इसका जब वर्क डन निकाला जाएगा तो इसकी एक्स की वैल्यू कितनी है, दूरी कितनी है कॉर्नर से, जीरो, ये तो पहले ही है, तो इसमें एक्स की लिमिट क्या लगेगी पहले एलिमेंट की, जीरो, राइट। फिर आखिरी एलिमेंट ये बनेगा, आखिरी एलिमेंट यहां से यहां आएगा और कितनी दूरी कवर करेगा, 2l/3, तो यहां पर क्या आएगा 2l/3। तो पहले एलिमेंट का वर्क डन जीरो और आखिरी तक का वर्क डन w, करो इंटीग्रेट, ये w आ जाएगा माइनस म्यू m/l इंटू जी x2/2, इसकी इंटीग्रेशन है कहां से कहां तक, जीरो से लेके 2l/3 तक, ठीक है। इसे इंटीग्रेट करो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस म्यू टाइम्स m/l g/2 इंटू एक्स की जगह क्या 2l/3 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। इसे करो जरा, क्या आंसर आ रहा है सॉल्व करके, ये लो, इसे कैंसिल करो, आंसर मार्क करो, ऑब्जेक्टिव के आंसर आ रहा है, चेक करो।